कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की कयामत की रात तो बीत गई, पर उन पर गिरफ्तारी की तलवार अब भी लटक रही है, क्योंकि चिदम्बरम के घर देर रात सीबीआई की टीम पहुंची और चिदम्बरम के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है और सीबीआई के सामने चिदम्बरम पेश नहीं हुए हैं और इसीलिए ये नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें चिदम्बरम को सीबीआई के सामने पेश होने की बात लिखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देर रात सीबीआई की टीम जो थी वो चिदंबरम के घर पहुंची, लेकिन चिदंबरम उनके सामने पेश नहीं हुए। पेश होने के लिए 2 घंटे की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद उनके घर के बाहर एक नोटिस लगाया गया है। तो मुश्किलें जो हैं वो चिदंबरम की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई के अधिकारी, तस्वीरें भी आप देखिए, देर रात उनके घर पर पहुंचे और पेश होने के लिए उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है और बताया जा रहा है कि चिदंबरम कहाँ हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है। कहा जा सकता है कि सीबीआई या गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं पी चिदंबरम और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 2 घंटे में उन्हें सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारी उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा सीबीआई के अधिकारियों ने कर दिया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट से इससे पहले चिदंबरम को झटका लग चुका है। पहले करीब 2 दर्जन बार उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। 3 दिन का स्टे भी उन्हें इस मामले में नहीं मिला था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हिरासत में लेकर पूछताछ को जरूरी बताया, लेकिन पी चिदंबरम जो हैं वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश अब सीबीआई की टीम कर रही है। मंगलवार शाम उनके घर पर भी पहुंची थी सीबीआई की टीम, लेकिन चिदंबरम नहीं मिले और अब कोशिश ये है कि देर रात तक या फिर सुबह तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन अब तक पी चिदंबरम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे सहयोगी वाजिद अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वाजिद, क्या जानकारी अब तक मिल पा रही है, क्योंकि अंडरग्राउंड हो गए हैं पी चिदंबरम और सीबीआई अब उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर चुकी है, अब सवाल ये कि आखिरकार कब पी चिदंबरम की गिरफ्तारी होगी या फिर वो खुद सीबीआई के सामने पेश होंगे? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत जो है वो कैंसिल कर दिया। देखिए, 24 पेजों की एक चार्जशीट थी जिसके अंदर जो है साफ तौर पे लिखा गया था कि पी चिदंबरम जो है एक साजिशकर्ता यानी कि किंग पिन है, जिसके बिहाफ पे जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद बीती शाम को सीबीआई की टीम जो है उनके आवास जोरबाग पे गई थी और वहां जाकर जो है उन्होंने छापा अभियान जो है जारी किया और साफ तौर पे पी चिदंबरम से उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी और उन्होंने ये भी कहा सीबीआई ने कि जांच में जो है पी चिदंबरम सहयोग करे, लेकिन बावजूद इसके जो है पी चिदंबरम का कोई अता पता नहीं लगा और ना ही वो सीबीआई के समक्ष पेश हुए, जिसके बाद जो है सीबीआई की टीम ने एक नोटिस जो है वो नोटिस उनके घर के पहले बाहर लगाया और उसमें साफ तौर पे अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 घंटे के भीतर अगर पी चिदंबरम सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके 2-4 घंटे बीत जाने के बाद भी पी चिदंबरम का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। हालांकि सुबह सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई होनी है, तो शायद पी चिदंबरम को यही लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से पी चिदंबरम जो है बीती रात से ही गायब है, उसे साफ तौर पर यही लगता है कि सीबीआई भी जो है अब उनके ऊपर पूरी तरीके से शिकंजा कसने के लिए तैयार है, जिसके चलते जो है सीबीआई की टीम ने नोटिस भी लगाया था, क्योंकि सीबीआई किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि पहले अक्सर ऐसा देखा जाता था सीबीआई को नोटिस देती थी तो उसके अंदर 1-2 दिनों का वक्त देती थी, लेकिन इसके अंदर 2 घंटे का वक्त दिया गया और 2 घंटे भी बीत गए, तो यानी जाहिर सी बात है कि सीबीआई जो है किसी भी जो ये आईएनएक्स मीडिया का जो केस था इसके अंदर पी चिदंबरम को
छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी है, इससे पहले उन्होंने एक दर्जन के आसपास जो है अपनी जमानत लगाई थी और सब जगह से उनकी जमानतें जो हैं वो खारिज होती गई। तो कहीं ना कहीं पी चिदम्बरम जो है उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी खारिज हो जाती है तो उनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। बिल्कुल वाजिद, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमानत अर्जी यहाँ पर दी है, और सवाल यह है कि यहाँ पर कितने बजे तक सुनवाई शुरू होगी, लेकिन जो तमाम सबूत हैं, जो आधार हैं, वो सब पी चिदम्बरम के खिलाफ हैं, और यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से उन्हें इनकार कर दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वो जरूर लगाकर बैठे हैं, और शायद यही वजह है कि अब तक अंडरग्राउंड हैं, और शायद सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो तब वो बाहर निकल कर आए। आज ही बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी उनके पास मौका है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जमानत मिल जाती है तो शायद फिर वो खुलकर सामना निकल के आए। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं जिनसे बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि पी चिदम्बरम को एक मौका मिलना चाहिए, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन बेगुनाही आखिर कैसे साबित करेंगे, क्योंकि 12 बार से ज़्यादा उनकी जमानत जो है वो तो कैंसिल हो चुकी है, हाईकोर्ट ने भी इसी बात पर उनकी जमानत कैंसिल की है, क्योंकि 12 पेजों की जो चार्जशीट थी उसके अंदर कोई भी ऐसा पेज नहीं निकल कर आ रहा था जिसके बिहाफ पे जो है पी चिदम्बरम को जमानत दी जाए। और साफ तौर पे जो और गवाह थे, उन गवाहों ने भी इस पूरे मामले के अंदर जो है पी चिदम्बरम का नाम बिल्कुल गवाहों ने भी पी चिदम्बरम का नाम खुल कर लिया है, जिसके बाद जमानत की जो याचिका थी उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, और अब मुश्किलें जो हैं वो पी चिदम्बरम की बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाजिद, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कानून के शिकंजे में बुरी तरह फंसे हुए हैं। 305 करोड़ के विदेशी निवेश को गलत तरीके से मंजूरी देने के मामले के अलावा भी पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और अब चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम सबसे बड़ी मुश्किल में हैं। उनकी सियासी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। ईडी और सीबीआई जांच कर रही है कि क्या वित्त मंत्री रहते हुए बेटे की कंपनी के लिए क्या उन्होंने नियमों को ताक पर रखा और चिदम्बरम ने भ्रष्टाचार किया। ये मामला INX मीडिया केस से जुड़ा है। सीबीआई ईडी दोनों जांच कर रही है। इसको लेकर 15 मई 2017 को FIR दर्ज हुई थी। पी चिदम्बरम पर कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है। ये पूरा मामला 305 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग से जुड़ा है। आरोप है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरती गई। पी चिदम्बरम पर आरोप है कि उन्होंने बतौर वित्त मंत्री रहते कंपनी के लिए गलत तरीके से फंड क्लियर करवाया। पी चिदम्बरम की मुश्किल इतनी भर नहीं है, उन पर एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में भी सीबीआई ईडी दोनों ने उन्हें आरोपी बनाया है। ये मामला भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB से जुड़ा है। आरोप है कि साल 2006 में वित्त मंत्री रहते हुए चिदम्बरम ने इस डील को मंजूरी दी थी, लेकिन आरोप है कि इसके लिए उन्होंने रिश्वत ली। आरोपों के मुताबिक पी चिदम्बरम को तब महज 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का अधिकार था, और इससे ज्यादा के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की इजाजत चाहिए थी। लेकिन आरोप है कि चिदम्बरम ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को अनदेखा किया और 3500 करोड़ की FDI को खुद ही मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं, एविएशन घोटाले की जांच की आज भी अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। 2006 में एयर इंडिया के लिए खरीदे गए 111 विमानों को लेकर भी पी चिदम्बरम से पूछताछ होने वाली है। 2011 में इसी डील पर कैग ने सवाल उठाए थे। आरोप है कि इसमें विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया था। अक्टूबर 2018 में ईडी ने मामले में केस दर्ज किया था, और अब इसी महीने 23 अगस्त को चिदम्बरम को पेश होने को कहा गया है। पी चिदम्बरम के लिए सबसे बड़ा संकटकाल इसलिए भी है क्योंकि उनकी तरह उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ 8 मामलों में जांच चल रही है, इनमें से सीबीआई ने 3, ईडी ने 2 FIR दर्ज की है। हालांकि आरोप तय होने बाकी हैं। कार्ति पर एयरसेल मैक्सिस और INX मीडिया केस में आरोप हैं। आरोपों के मुताबिक कार्ति चिदम्बरम ने INX मीडिया केस में FIPB को मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत ली थी। मंगलवार को दिन भर चले घटनाक्रम के बाद कयामत की रात तो बीत गई, लेकिन चिदम्बरम परिवार पर आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि मुश्किलों से उनका पीछा छूटने वाला नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।